नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक और 100 पुत्रों के पिता धृतराष्ट्र को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र के विषय में अनेकों तथ्यों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक तथ्य है कि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को मारा था। आप में से अनेकों दर्शक यह जानकर हैरान होंगे और इसका कारण जानने के भी इच्छुक होंगे। तो हमारे आज के इस वीडियो में आप जानेंगे धृतराष्ट्र के इस अविश्वसनीय कृत्य के पीछे का कारण। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गांधारी की कुंडली में 2 विवाह के योग थे। उसके पहले पति की मृत्यु विवाह होते ही निश्चित थी। केवल दूसरा पति ही जीवित रह सकता था। इस दोष को समाप्त करने के लिए एक साधु ने उसका विवाह बकरे के साथ करवाने के लिए कहा। गांधारी के परिवार ने ऐसा ही किया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यह बात गांधारी और उसके परिवार ने विवाह के समय छुपाई थी। जब धृतराष्ट्र को यह झांत हुआ तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुआ। उसने गांधार नरेश सुबाला और उनके 100 पुत्रों को कारागृह में डालने का आदेश दिया और उन पर बहुत यातनाएं करवाई। उन्हें बहुत कम मात्रा में भोजन दिया जाता था, जिस कारण सुबाला के पुत्रों की मृत्यु होने लगी। प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे सुबाला ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को कौरवों के नाश के लिए तैयार किया। सुबाला के सभी पुत्र अपने हिस्से का भोजन भी शकुनी को खिला देते थे, जिससे शकुनी जीवित रहे और उसके परिवार पर हो रही यातनाओं का प्रतिशोध ले सके। अपनी मृत्यु से पूर्व सुबाला ने धृतराष्ट्र से विनती की कि वह शकुनी को कारक ग्रह से निकाल दे। सुबाला ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा था, जो कौरव वंश के नाश का कारण बना। शकुनी ने सर्वप्रथम सबका विश्वास जीता। मामा शकुनी दुर्योधन को अत्यंत प्रिय थे। शकुनी ने ही दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड्डे छकाया और महाभारत जैसे युद्ध का आधार रचा। तो दोस्तों, यह कारण था कि धृतराष्ट्र ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों की हत्या की थी, जिसका बदला शकुनी ने लिया। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।